आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की पीटीआई को इस एहतजाज की कामयाबी में आपकी दो तीन कामयाबियां पिन्हा हैं। नंबर वन, एहतजाज में जितने ज्यादा लोग निकलेंगे उतना ही कौम के डर को, खौफ को दूर करने में मदद मिलेगी। अब ये किस तरह मुमकिन है? इस्लामाबाद जो है हमेशा हमारे प्रोग्रामों में फैमिली जाया करती है, लेकिन दोनों एहतजाजों में फैमिली जो है उनकी पार्टिसिपेशन जो है आटे में नमक के बराबर है। इसका मतलब ये है कि या तो लोगों का खौफ बदस्तूर कायम है, या फिर हमारा पैगाम उन तक नहीं पहुंचे, या फिर वो कायम नहीं हुए हैं। अब इसका तरीका क्या है? खवातीन जो हमारी बहनें बैठी हैं और आप सब अगर इतनी तकलीफ कर ले कि हर एक घर में बैठ के एक सोशल मीडिया वीडियो बना दे और अपने अल्फाज में बताएं इस्लामाबाद के लोगों को कि हम क्यों निकलना चाहते हैं। ये निकलना इसलिए जरूरी है कि अभी भी हम पैरालिसिस के शिकार हैं। मुझे पता है कि पंजाब में खौफ अभी तक जो है बिल्कुल दमा चौकड़ी उसने मचाई हुई है। ये लास्ट टाइम लाहौर में और पंजाब में लोगों ने बड़ी हिम्मत की, लेकिन जिस दिन इस कौम का बिलखसूस पंजाब में खौफ खत्म हुआ, यकीन करें ये कौम निकलेगी नहीं, रिएक्ट करेगी। ये जो आमिर भाई के बच्चों का जिक्र हुआ, सुने तो सही, 12 14 और 16 साल के बच्चे और उन पे तशद्दुद। अब आप याद रखें ना, हमारे साथ तशद्दुद की दास्तानें जो हैं, उस दिन असेंबली में हम बैठे थे तो जितने एमएनए बैठे थे हमारे साथ, हर एमएनए की अपनी कहानी है। हर एमएनए पे जो भुगती हैं, बहुत सौ का मुझे इसलिए पता है कि बहुत सौ का मैं वकील था। अली अमीन खान कल और आज हम इकट्ठे बैठे थे तो ये जो उसकी आंख है, मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि ये आंख में डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने कहा क्या हुआ इसको? कहते हैं 36 घंटे मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, 36 घंटे सोचिए। और उसने कहा सिर्फ 36 घंटे पट्टी नहीं बांधी, उन्होंने कहा ये दोनों हाथ मेरे रानों के नीचे से बांधे गए थे और 36 घंटे मैंने हिसालत में गुजारे हैं। और मैं आपको बताऊं, शारियार अफरीदी का मैं बताता हूं कि शारियार अफरीदी को 7 घंटे जो है छत से जंजीरों से उसके हाथ इस तरह ये बांधे गए थे दोनों हाथ कि ना वो बैठ सकता था और न खड़ा रह सकता था, और 7 घंटे। और ये मैं आपको अगर बता दूं कि क्या क्या जुल्म इन आपके लीडर्स पे गुजरा है तो आपकी जो कलीजे हैं वो हल्क को आ जाए। लिहाजा ये एहतजाज, और फिर मैं आपको खान की बता दूं, मैं जब खान के पास अटक जेल में गया तो मैंने खान से पूछा, 2 दिन हुए थे अटक आए हुए, तो मैंने खान से पूछा, खान साहब क्या पोजीशन है? खान ने कहा कि ये उस सेल में कमबख्त आके कोई चीनी वगैरह डाल देते हैं तो वो कीड़े और वो जो चींटियां हैं वो मेरी तरफ जो है रात को मुझे सोने नहीं देती। इतने गिरे हुए ये लोग थे हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि खान ने क्या क्या नहीं भुगता है। हर वो जो आप सब ने भुगता है, खुदा की कसम खान ने दुगना भुगता है जेल में। तो ये एहतजाज क्या है इसको आप समझें। खान की नजरें और खान की उम्मीद आप लोगों से है। वो मुझे हमें कहते हैं कि एहतजाज करो, और एहतजाज के साथ उसमें ये पैगाम पिन्हा है कि एहतजाज ऐसा करो कि दुनिया देखे। ये गैर जिम्मेदारी है, ये हमारे पार्ट पे बिल्कुल हम एहसास ही नहीं कर रहे हैं कि इस एहतजाज को हमने किस लेवल पे ले जाना है। ये शेरफजल की जिम्मेदारी नहीं है कि सोशल मीडिया पे पैगाम करें या मुगल साहब की कि जनाब अली आपको फोन करें, उसको फोन करें। ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी जंग नहीं है, कोई हमारी जाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। और जब हम बात करते हैं तो आप सब हमेशा के लिए समझ लें, 4 चीजों की ये खान की जंग है। हकीकी आजादी क्या चीज है? हकीकी आजादी ये है कि अवाम को हक हुक्मरानी मिला है, और हक हुक्मरानी का मतलब ये है कि तमाम कतगनों से पाक हुक्मरानी।
हमें कोई ये ना बताएं कि किसको वजीर दाखला बनाना है और किसको वजीर खारजा बनाना है, और कोई हमें ये ना बताएं कि अफगानिस्तान का दौरा किसने करना है या रशिया में हमने कोई ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। यानी कि हुकूमत जो है वो अपने मामलात में मुकम्मल आजाद हो, ये खान की हकीकी आजादी का तस्वुर है। दूसरा खान का कंसेप्ट कानून की हुक्मरानी का है। कानून की हुक्मरानी क्या चीज है कि अगर हमारी भी हुकूमत हो केपी में है और हम चाहती हुई भी अपने किसी भी सियासी मुखालिफ के खिलाफ कोई कानूनी ऐसा बुरा न कर सके कि हमारा निजाम ही ऐसा बन जाए कि हम पीएमएलएन के खिलाफ या परवेज खट्टे के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ अपने इंतकाम लेने के जोश में उनके साथ कोई कानून का अब्यूज न कर सके। तीसरी बात खान की है समाजी इंसाफ की, और जो चौथी बात है और जो सिग्निफिकेंस में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, रूल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चार बातें मैंने बताई हैं, हम बात करते हैं, हमें इसकी मैं उसकी अंक में देखता हूं। वो ये तवक्को रखता है कि पूरा पाकिस्तान उमट के निकलेगा, और हमें एहसास ही नहीं है कि हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर आप 20,000 के बजाय इस्लामाबाद की सड़कों पे 50,000 लोग निकाल लेते हैं तो ये मैटर करता है, ये मैटर करता है कि आप सब जो हैं अपने कैमरे मोबाइल रख के वीडियो करें इस्लामाबाद के लोगों के लिए, बताएं इनको कि आए, फैमिलीज भी आए, बच्चे भी आए, जवान भी आए, क्योंकि ये जो जंग है ये पाकिस्तान में वो हुआ, वो गंदगियां हुई, वो गैर इंसानी रवैये और सलूक हुए। सिर्फ एक मैं आपको मिसाल दूं तो आपके कलीजे पटने को आ जाएं। इबाद फारूक का बेटा अमार फारूक, छोटा बच्चा 7 साल 6 साल उम्र थी, मैं उनके घर गया फातिहा पढ़ने के लिए। जब वो फौत हुआ तो उनके दो भाइयों से मिला, जिस दिन मैं गया तो उसकी माँ उस दिन भी जेल में थी, आप इमेजिन करें, और उन बच्चों का बाप भी जेल में था। तो मैंने पूछा कि हुआ क्या था, तो उन्होंने बताया कि जी 9 मई के वाकियात में इबाद फारूक के पीछे पुलिस आई, ले गई, बच्चों के सामने यह ड्रामा हुआ। इसके बाद इस भी हसी पे खत्म नहीं किया, उसकी माँ को लेने आए तो माँ को ले गए, 2 दिन बाद उसकी दादी को ले गए। जब भी पुलिस आती थी दरवाजे तोड़ो, शीशे तोड़ो, अब छोटे बच्चे सालार और एक छोटा, उनके जहनों पे क्या, आप सब, हम सबके बच्चे हैं। मेरे भी उस दिन आज से 15 दिन पहले मेरे घर पुलिस आई रात को 1:30 बजे, मुझे गिरफ्तार करने जब मैंने पहले एहतजाज मेरा, और मैंने फैमिली बाहर बुला रखी हुई थी पाकिस्तान से बाहर, तो मेरा एक बच्चा है 5 साल का, बहराम नाम है उसका। तो जब वो आए तो, और 2 दिन पहले मैंने अपनी फैमिली बुलाई थी, तो वो बदकिस्मती से घर में थे। मैं तो गिरफ्तारी नहीं देनी थी, तो मुझे जो ही मेरे गार्ड ने इतला दी तो मैं निकल गया। लेकिन बाद में जब मुझे मेरे घर वालों ने स्टोरी बताई, और जो मैंने मीडिया को नहीं बताई है, उन्होंने मेरे 5 साल के बच्चे को उठा लिया कि हम इसको ले जा रहे हैं, तो उनकी मेरी मिसिस जो इनकी माँ उन पर झपट पड़ी। यानी ऐसे ऐसे दरिंदे कहना भी जो है ना, वो भी शायद इनसे कोई घटिया लफ्ज हो इनके लिए, लेकिन क्या मतलब, ये बच्चे छीनने के इसमें हम ये समझे कि भाई हम हथियार डाल दें, हम अपनी बेकसी पे, बेबसी पे, अपनी लाचारगी पे जो है हम कहें कि बस जी अल्लाह आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदा की कसम इस चीज को समझो, अल्लाह ताला जो है आप में इतना इस्तेकाम डालेगा। खान परसों जब मुझे कह रहा था तो लास्ट 2 एहतजाजों पे उसने मुझसे बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग कम थे, वो बड़ा खुश था पिंडी के एहतजाज से, ये मैं साफ बता रहा हूं, और पिंडी मेरे साथ डट के खड़ा हुआ, और क्या लोग थे, अजदहान था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों को किस तरह निकालते हैं, हम लोगों को परसुएट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका निकलना हमारे लिए तो क्या पाकिस्तान के लिए मानी रखता है, 10 से 10,000, 20,000, 50,000,
और जब इस्लामाबाद की 0 पॉइंट से 50,000 का अश्दहाम नजर आ रहा होगा, ये एहतजाज हमारी सानवी है, हमारा अल्टीमेट एहतजाज जाएगा धरना पे, ये मैं आज से आपको बता रहा हूं, और लाखों लोगों को इंशाल्लाह हम लाएंगे और इस डी चौक पे बिठाएंगे, क्योंकि हम निकलेंगे और एक दिन आएगा वो तबले जंग होगा और इस डी चौक पे होगा, वो हमारी आखिरी लड़ाई होगी, वो पाकिस्तान की सलमियत की, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए, क्योंकि ये जो एहतजाज हम कर रहे हैं ये हम बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं, पाकिस्तान में उकाम तो सारे ठग है, ये तो सारे ठग हैं, इनको एहतजाज की क्या समझ है, इनको पता है ये फ्रॉड से, चीटिंग से जो है इक्तदार पे बैठे हुए हैं। तो लिहाजा खान की उस आंखों, उम्मीद भरी आंखों का ख्याल करो, सिर्फ ये नहीं है यहां पे हमने थालियां बजा दी, रुखसत हो गए और इसके बाद छोड़ दिया, चलो जी जो आ गया सो आ गया, आप सबकी उतनी जिम्मेदारी है जितनी मेरी है, जितने जनरल सेक्रेटरी साहब की है, जितने हमारे रीजनल प्रेसिडेंट की है, या सर आपके हल्का सदूर की है, खान की उम्मीद होती है। तो लिहाजा 3 काम कर ले, नंबर 1 जो हल्का सदूर है, मैं एक बात वैसे वादे कर दूं,